हिल प्रेज सीधा आप। सीधा आप। सर्किल चेंज। ये अभी ये घोड़ारी राइडर भी बॉम्बे जाएंगे दिसंबर में नेशनल कंपटीशन में। स्टेट लेवल के इसने क्वालिफाई कर लिए दो गेम, अभी नेशनल गया दिसंबर में 17 तारीख से चालू। हाँ बिट्टू क्या हुआ? हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम प्रेरणा स्वामी है। अच्छा। और मैं शेखावटी हॉर्स राइडिंग स्कूल से हूँ और हमारे कोच का नाम मदन सिंह शेखावत है। तो कितने टाइम हो गया आपको ये ट्रेनिंग लेते हुए? 1 साल 3 महीने 1.5 साल हो गया अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ट्रेनिंग लेते हुए। और मैंने स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट और नेशनल्स में भी क्वालिफाई कर लिया है। और इस बार भी अभी हमारा बॉम्बे में नेशनल्स है और हमारे यहाँ मारवाड़ी घोड़े भी हैं और थौरो भी हैं। और बेसिकली हम मारवाड़ी घोड़ों को ज़्यादा ट्रेन करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन तो मेरे सर थे मदन सिंह शेखावत, जो वहीं पे स्टार्टिंग से वहीं से सिखाए मैंने। और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, हमें ट्रेनर तक बनाते हैं और हमें राइडिंग भी सिखाते हैं, घोड़े के साथ लगाव भी करना सिखाते हैं और उनकी कैसे समझते हैं वो भी सिखाते हैं। मैंने अभी ड्रेसाज और जंपिंग में किया है, क्वालिफाई कर लिया है दोनों गेम में एक साथ। नेशनल दो नेशनल एक साथ हो जाएंगे मेरे। और अभी इंडोरेंस गेम खेला था, उसमें अपने इंडिया की सिर्फ 3 लड़कियाँ आई थी। और ये भी बताना चाहते हैं कि मारवाड़ी घोड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाच गानों के लिए नहीं होते हैं, बाकी इसको अपन गेम में भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो केपेबल फॉर गेम। एंड हमारे घोड़े आगे नेशनल्स में भी जाते हैं और अभी मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया है। स्टेट्स में मैंने अभी 18 मेडल लगा चुकी हूँ और डिस्ट्रिक्ट में मैंने 4 मेडल लगाए। हॉर्स राइडिंग का है तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा कि आपको कैसा ये लगा कि मतलब ये आपको करना चाहिए? मेरे को वैसे जानवरों से बहुत लगाव था पहले से और स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने हॉर्स राइडिंग जैसा गेम चूज़ किया। और सर ने भी मुझे इसके ऊपर डायरेक्शन दी कि इस गेम से कितने बेनिफिट्स होते हैं, इससे डिफेंस में भी जाया जाता है और फॉरेन भी जा सकते हैं आप जी। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं घोड़ों के बारे में, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, गेम भी होते हैं। तो फ्यूचर क्या है इसका? इसका फ्यूचर मैं तो डिफेंस के लिए तैयारी कर रही हूँ वैसे यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग से आप गेम खेल के डिफेंस में जा सकते हैं। जैसे आप कर रही थी ये ट्रेनिंग, तो आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा कि कैसा है क्या है? सर हमें ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, ड्रेसाज भी होता है, ड्रेसाज, जंपिंग, टेंट पैकिंग और क्रॉस कंट्री ऐसे इवेंट्स होते हैं वो होते हैं। और नेशनल्स पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, एशियन ट्रायल्स भी होती है यहाँ पे। तो मतलब आपने कहा कि जानवरों से आपसे काफ़ी लगाव है। सब समझते हैं, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप फील करोगे, जितना आप घोड़ों के साथ रहोगे उतना वो आपको समझेंगे। तो मालिक को समझते हैं मतलब? हाँ। तो ये मैंने सुना कि जैसे जैसा मालिक का स्वभाव होता है वैसा ही इनका स्वभाव हो जाता है। हाँ। तो ये बात कितनी सच है? ये बात पूरी सच है एक तरीके से। हाँ। क्योंकि हम जितना मतलब घोड़े को एक तरीके से इशारों पे चलते हैं वो हमारे। हाँ। और जिस तरीके से हम ट्रेन करते उस तरीके में उन्हें सब समझ आ जाता है। अच्छा। तो और भी कोई इस फील्ड में आना चाहता तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा फील्ड है, आप आना चाहें तो अच्छी बात है। इसमें बहुत बेनिफिट्स भी हैं आपको और आपका शौक के हिसाब से आप आ सकते हैं। अच्छा, हॉर्स राइडिंग में क्या है मतलब क्या कैसा लगता है हॉर्स राइडिंग करके? तो हॉर्स राइडिंग सही सवारी है, प्लस इसके अंदर बहुत अच्छा फील होता है, मेहनत का गेम है वैसे तो। और इसके अंदर जानवरों के साथ रहना, रात दिन काम करना उनके साथ, तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। गर्ल्स तो हर फील्ड में जा रही है। हाँ। तो इस फील्ड में देखा कि काफी कम जो है। हाँ, कम आ रही है। तो मतलब इस बारे में आप जो नई आने वाली है तो उस पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियाँ जितनी आगे बढ़ी वो अच्छी बात है। हाँ। और लड़कियाँ जैसे कि कम है इस फील्ड में, तो मैं चाहती हूँ कि और बढ़े और आगे नाम रोशन करें लड़कियाँ। तो कितना टाइम देती है इसमें आप? इसमें वैसे पूरा दिन एक तरीके से लग जाता है हमें, सुबह घोड़ों को काम देना, फिर बाद में उनके साथ रहते हैं हम लोग, उनका अलग काम होता है, स्टेबलिंग वगैरह का अलग काम होता है, तो ये सब भी सीखना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें फीड वगैरह का आप करते हैं क्या? हाँ, ये फीडिंग वगैरह भी हमें सिखाई जाती है, क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इसकी मेडिकल के बारे में भी कोर्स होते हैं बहुत से, वो भी पढ़ाया जाता है हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम मदन सिंह शेखावत है जी सर। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और शेखावाटी हॉर्स राइडिंग स्कूल के नाम से मैं एक घुड़सवारी का वहाँ पे एकेडमी चला रहा हूँ जी सर, जयपुर में। कितना टाइम देना पड़ता है? हमारा इंटरनेशनल टर्निंग है।
नेशनल या स्टेट लेवल का टर्निंग नहीं करते हैं, इंटरनेशनल टर्निंग करते हैं। जो देश विदेश में कहीं भी जाएंगे तो सेम ही घोड़े की चाल और सेम ही प्लेयर्स को काम करना पड़ता है। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे की जो सेकावटी हॉर्स राइडिंग हम जो चला रहे हैं उसमें हर लड़का लड़की को स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है। घुड़सवारी का स्पोर्ट्स जैसे है क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, सब स्पोर्ट्स होते हैं, इस प्रकार का घुड़सवारी का भी स्पोर्ट्स होता है। इसमें कई प्रकार के घोड़ों के साथ में स्पोर्ट्स होते हैं, तो तकरीबन सभी गेम के बारे के अंदर मैं इनको सिखाता हूँ। और दूसरा है कि लड़कियों पे अपने हिंदुस्तान में लड़कियाँ राइडर बहुत कम है, तो मैं प्रेस करता हूँ हर लड़की को, हर लड़की को टाइम भी फालतू देता हूँ, उनके पेरेंट्स को है उनको भी थोड़ा सा इसके बारे के अंदर बताता हूँ कि इससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो लड़कियाँ जैसे जैसे दिलदार बनेगी तो ही घुड़सवारी होगी, नहीं तो बिना दिलदार के घुड़सवारी नहीं होती। कोई किसी को बोल देगा तो आजा घोड़े पर बैठ जा तो नज़दीक आने से घबराएगा। ठीक है, ऐसे एक युद्ध का मैदान होता है घोड़े पर चढ़ के किसी को मेडल जीतना। ठीक है, सेना के अंदर भर्ती तो सब हो जाते हैं, लेकिन जब इधर उधर गोलियां चलती है ना तो कई दिलदार जवान तो आगे जाते हैं, कोई निडर होता तो वो फिर पीछे खिसकने की कोशिश करता है। ऐसे घुड़सवारी का स्पोर्ट्स होता है, इसके अंदर राइडर तो कई होते हैं लेकिन जंग के मैदान में यानी कि ग्राउंड में जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे बहुत कम प्लेयर ही आगे जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि मैं इतना हाई लेवल का जंप नहीं कूदा पाऊंगा, घोड़े को इसी स्पीड से भगा नहीं पाऊंगा, फिर एक दूसरे से टक्कर नहीं ले पाऊंगा। तो उसमें जो दिलदार होता है वो घुड़सवार आगे बढ़ता है और वही देश का नाम रोशन करता है और उसी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। राइडिंग बेनिफिट में यह है कि कई होने वाली बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, आपका ये हार्ट अटैक होता है, इसमें क्या है कि बॉडी एक्सरसाइज होती रहती है तो आप जिम ज्वाइन करोगे तो उसमें कम होता है और इसमें ऑटोमेटिकली पूरा बॉडी एक साथ में मूवमेंट होकर के और रोटेशन में चलता रहता है। जैसे फौजी को फिट करते हैं ना फौज के अंदर, जैसे घोड़ा हर राइडर को फिट रखता है। और मैं यहाँ पे मेले में ये घोड़े क्यों लेके आया हूँ मारवाड़ी, कि मुझे ये दिखाना है सब मारवाड़ी घोड़ों को पालने वालों को कि मारवाड़ी घोड़ों को आप लोग भी पीछे मत रखो। अगर आप हर घर के अंदर इसका ट्रेनर बनाओगे, राइडर बनाओगे, तो ये घोड़ा जैसे फॉरेन के जो घोड़े चल रहे हैं ना, जर्मन ब्रेड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के, थोरो ब्रेड, ये तो उनके मुकाबले हमारे मारवाड़ी घोड़े भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर ट्रेनर और इनकी देखभाल ये होनी चाहिए। एक एक घर के अंदर राइडर बनाओ, अच्छे घोड़े पालो, तो घोड़ों का नाम भी रोशन होगा और हमारे हिंदुस्तान के हमारे राइडरों का नाम भी रोशन होगा। सर, इसमें मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ट्रेनिंग की आपने जैसे बात करी, तो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग की काफ़ी कमी है और ट्रेनर की भी काफ़ी कमी है, और वो क्या करते हैं स्टिक रखते हैं और उस तरह गलत तरीके से उनको ट्रेन करना ही ट्रेनर नहीं। नहीं देखो, कोई मारवाड़ी घोड़े यहाँ पे पालने वाले खड़े हैं, कोई भाई नाराज मत होना। जो हमने सीखा, हमारे उस्ताद ने सिखाया, हमने मिलिट्री में भी सीखा, मेरे को 20 साल मिलिट्री में हमने घुड़सवारी करी है, घोड़ों की ट्रेनिंग के बारे के अंदर पढ़ा है, घोड़ों की ट्रेनिंग दी हमने, लेकिन वहाँ पे हमारे पास में इंग्लिश घोड़े थे, मारवाड़ी घोड़े अपने राजस्थानी ब्रेड के या हिंदुस्तानी ब्रेड के घोड़े नहीं थे। जब हमने रिटायरमेंट ले लिया तो हमने एक बेड़ा ये उठाया था कि जैसे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाला ऐसे एक बार फॉरेन के जो घोड़े हैं वो हिंदुस्तान से आउट होने चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान की कल्चर है जो मारवाड़ी घोड़ों को उनकी अच्छी तरह से देखभाल होगी, अच्छी तरह से उनका नाम रोशन होगा वर्ल्ड के अंदर। अभी जर्मन ब्रेड के घोड़े आ रहे हैं, 1-1 करोड़ के घोड़े खरीद के ला रही दुनिया, और हम हमारे ये मारवाड़ी घोड़े इनको पाल करके हमने टर्निंग करके और उन्हीं घोड़ों के सामने हम भी मेडल जीत रहे। लेकिन हिंदुस्तान का कुछ कल्चर जो इंग्लिश लैंड में जो पढ़ा हुआ है वो उन घोड़ों को ज़्यादा तवज्जा दे रहे। ठीक है, गेम में जाते हैं हम, हमारे घोड़े भी लीज पे जाते हैं, उनके घोड़े भी लीज पे जाते हैं, तो उसका तो 3 लाख होता है एक राउंड का और हमारे घोड़े को 1.5 लाख रुपये देते हैं, कैसा मारवाड़ी है। तो मैं हर जगह यही क्वेश्चन करता हूँ, मारवाड़ी के गेम तो बराबर किया है, 5 कोस जब इंग्लिश घोड़ा चला तो 5 कोस हमारा घोड़ा भी तो चला है, उसमें क्या फर्क है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो जजिंग वगैरह कर रहे हैं उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ऐसा मत कीजिए, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को आगे बढ़ने दो, मारवाड़ी घोड़ों कल्चर को आगे बढ़ाओ। जितने मेले में आए हैं पंजाब से, हरियाणा, गुजरात, सब दूर से आए तो उनको सबको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अगर 10 घोड़े पाल रहे एक घर में तो उसमें एक ट्रेनर तो होना हमारा इंग्लिश चाल का होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको स्पोर्ट्स के अंदर जगह मिलेगी, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारियाँ सीखो, फिर मारवाड़ी घोड़ों को उनके बराबर डालो,
तब आपको पता लग जाएगा कि हम कितने पीछे रह गए, हम हमारे घोड़े पाल करके हम पीछे रह गए। सर मेरा सवाल ये था कि जो ट्रेनर होता है, क्या हिंदुस्तान में जो प्रॉपर ट्रेनर है उसकी जरूरत है या कमी है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रेनर के घोड़ा ट्रेन नहीं होगा। मारवाड़ी घोड़े के साथ में इसको इस चाल के अंदर, हर चाल के अंदर वो ट्रेन कर सकता है जो शांत स्वभाव ठंडा मिजाज का ट्रेनर होगा। घोड़ा चाहे 50 गलती करे लेकिन ट्रेनर को एक ही भी गलती नहीं करनी, उसको बच्चे की तरफ से प्यार पोस करके कैसे भी करके उसको धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी उसको चढ़ाएगा तो इसको पता लग जाएगा। बहुत माइंडेड जानवर है। इंग्लिश घोड़ों से हमारा जो हिंदुस्तान घोड़ा है, मारवाड़ी घोड़ा है, बहुत ही माइंडेड है। आप 10 दिन साथ में रह जाओगे, 10 दिन राइड कर लोगे, आपको तुरंत दूर से पहचान जाएगा कि वही राइडर आ रहा है। ऊपर बैठते घोड़ा फट बॉडी स्मेल ले लेता है, पाँव की घुमा करके रकाब को सूंघ लेता है। इधर से आओगे आपकी बॉडी की स्मेल आएगी तो पहचान जाएगा, ठीक है, नज़र से पहचान लेगा, आवाज़ से पहचान लेगा। नया कोई भी आएगा उसके साथ में, हमारे मारवाड़ी घोड़े अक्सर करके कान पीछे करते हैं, जो कई संकेत होते हैं ना घोड़ों, भाई कान पीछे कर रहा, घोड़ा गुस्सा कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है, भाई जाड़ बेच रहा तो वो लात मारेगा, ऐसे घोड़ों के संकेत होते हैं। हम इन बच्चा बच्चे आते हैं इनको हम ट्रेनिंग में शामिल में बताते हैं ये चीज़ें सब, इसका प्रॉपर सामान घोड़े का सैंपल बिट जी सर इस्तेमाल सिंपल प्लेन, बिल्कुल प्लेन, इसको आपके मुंह में भी लगा दो ने तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे घोड़े को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं अक्सर मारवाड़ी ये जो ट्रेनर है, जो रेल चाल सिखाने वाला, बैंड बाजे के आगे नचाने वाले, वो क्या बोलते हैं कि इसका गर्म दिमाग होता है। इसका गर्म दिमाग नहीं होता, हमारा सिद्धांत गर्म है, हमारा दिमाग गर्म है। हम 1 महीने का काम उसको आधे घंटे में सिखाना चाहेंगे तो कैसे सीखेगा? क्या बच्चा पहली क्लास से सीधा कॉलेज के अंदर चला जाता है? नहीं जाता है। इसलिए हम इस पर ऐसा सामान यूज करते हैं कि घोड़े के कहीं खरोच नहीं लगे, कहीं से कट नहीं लगे, बिल्कुल नमदा है, सैडल है, महंगे सैडल खरीदते हैं, वो नहीं कि 500-700 वाला लगाई लकड़ी वाली काठी लगा दी, वो तो कोई पे अगर आपके भी कोई लकड़ी का डंडा लगाए तो चमड़ी छिलेगी, ऐसा ही होता है। तो इस घोड़े के साथ में जितना आदमी प्यार रखेगा, इसको पालने पोसने की टर्निंग नहीं है तो किसी से ले गया, आजकल तो कैमरे चल रहे हैं, व्हाट्सअप चल रहा है, कहीं भी देश विदेश बेटा खट निकाल के देख सकता है। अच्छा, तो लेकिन उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके पास कितने हैं सर हॉर्स वगैरह, उनके बारे में बताइए। मेरे पास में 20 घोड़े हैं, जिसमें 10 तो है इंग्लिश घोड़े और 10 घोड़े मारवाड़ी, और मारवाड़ी इंग्लिश को सेम टर्निंग और सेम एक साथ लेके जाता हूँ। इसने 62 मेडल जीत रखा इस घोड़ी ने। क्या नाम क्या है सर? इसका नाम काजल है। काजल, जब 3 साल की बच्ची थी तब लेके आया था मैं, ऐसे ही मेले से खरीद के ले गया था मैं, ये नहीं कि हमने स्पेशल ब्रीड कोई पैदा की, वो नहीं है, मेले में देख के ले गए थे और हमने हमारी ट्रेनिंग से चालू करी, अभी ये 7 साल के लगभग होगी। ये भी सेना के जवान से फिट जैसी फिट लग रही है सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल इसकी बॉडी, ये फिटनेस जो बनी हुई है ना, इसके मसल्स ये इसके काम से बनी हुई है। अच्छा, चराई से नहीं, टाइम टू टाइम इनको खिलाना पिलाना, इनकी मालिश नुलाना धुलाना और इनको काम लगाना बॉडी वर्क, तो फौजी जवान की तरह आप बोल रहे वैसे फिट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो मेरे को तो 21 साल हो गए रिटायरमेंट के लिए, लेकिन अभी मेरे को भी बोलते हैं कि अभी 2-4 साल हो गए। क्या तो फीड का क्या रहता है सर? फीड एक तो सुबह हम 5 बजे देते हैं इनको, ये जो है चोकर है जई ऐसे मिला करके चने हैं, और एक 10 बजे देते हैं, उसके बाद शाम को 7 बजे देते हैं। 8 साल के बच्चे से हम टर्निंग चालू कर देते हैं, ठीक है ना, जैसा बच्चा होता है उसको उसी प्रकार से घोड़े पे सेट किया जाता है, और उसको वो भी वॉक ट्रोट कंटर जो चलाना पड़ता है वो चलाते हैं। 2 महीने की बेसिक राइडिंग हम टाइम देते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत चलाने लग जाते हैं, तो फिर उसको धीरे धीरे करवाने हम खुला काम करवाने लग जाते हैं। ट्रेनिंग होती है सर जी? कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग तो बहुत लंबा चलता है, ये तो अथाह सागर है, जितना आप शिक्षा ग्रहण करोगे उतना बढ़ता जाएगा, कम नहीं होता है। ऐसा ही राइडिंग के बारे में स्पोर्ट्स कोटा है, आप जितना सीखो तो इसमें अभी आप स्कूल से खेलोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट से खेलोगे, फिर स्टेट से खेलोगे, फिर नेशनल जाओगे, जूनियर नेशनल करोगे, सीनियर करोगे, फिर एशियन गेम के ट्रायल दोगे, एशियन गेम जीतोगे, फिर ओलंपिक चले जाओगे, ये तो बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। अच्छा, इसमें हमारे हिंदुस्तान के लिए अभी जो लड़कियां जो इसमें लगा रही है जी जान,
उतने भी लड़के कम लगा रहे हैं, तो सर ये देश के लिए घाटा है। क्या कहना चाहेंगे सर कुछ? नहीं, कोई अगर सीखना चाहे भाई, और ये जो मारवाड़ी घोड़ों वाले हैं उनसे मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि वो तो अपने घर के हिसाब से चलाएंगे, उनको मेरे कहने से थोड़ी चलाएंगे, लेकिन फिर भी उस मारवाड़ी घोड़े को एक तो ही बिट कांटे वाला यूज मत करो। अगर आपको शादी ब्याह में कहीं भी ले जाना लगाना है तो शादी में नचाने से क्या होगा कि 2-4 सौ 1000-1500 रुपये फालतू आएंगे, लेकिन आपका वो जानवर खराब हो रहा और उसकी बद्दुआ लगती है। कोई ये मत सोचना कि कांटे वाले बिट लगा करके मैं नचा करके मेरा पीढ़ा दर पीढ़ा परिवार पाल लूंगा, नहीं पड़ेगा। अगर इतिहास के थ्रू चलोगे, ये इतिहास से जुड़ा हुआ जानवर है गाय और घोड़ा। हमारे घोड़ा तो हर इतिहास से जुड़ा हुआ है, पंजाब का ले लो आप, चाहे हिंदू धर्म ले लो, इस्लाम धर्म ले लो, ईसाई ले लो, कोई भी राजा बादशाह महाराजा हुआ बिना घोड़े के नहीं चला है। चला तो कोई बता सकता है? मेरे को बता दो। हर धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, ये भगवान का रूप है, इसको बेतरतीब आप यूज करोगे तो आपकी खानदान बर्बाद हो जाएगी। चाहे इस पीढ़ी में आप मजे कर लो, पीछे की पीढ़ी आपकी पनप नहीं पाएगी, क्योंकि जानवर है, ऊपर भगवान की देन है, इसको परेशान क्यों करते हो? इसको पढ़ाओ, टाइम लो, अच्छी प्यार से पढ़ाओ। पढ़ता है, जो प्यार से काम हो जाता है उसको लठ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? तो हमारा तो ये रिक्वेस्ट है, फिर तो सब अपने अपने घर के हिसाब से सब पालते करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत इतनी अच्छी जानकारी। बहुत वेलकम, आपका स्वागत है।